सर्कस दिखाने वाला बना करोड़पति। कोल्हापुर के छोटे से गांव में एक मोहन नाम का आदमी रहता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करते थे। मोहन की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी अभी स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन गरीबी की वजह से नंदिनी को एक दिन अपने स्कूल को छोड़ना पड़ता है, जिसके बाद वो अपने पिता मोहन के साथ सड़कों पर छोटा सा सर्कस दिखाना शुरू कर देती है। इसमें नंदिनी उसका साथ दिया करती थी। पूरे दिन भर लोगों का मनोरंजन करवाने के बाद वो अपना पेट पालने लायक पैसे कमा लिया करते थे। एक दिन दोनों बाप बेटी सर्कस दिखाकर वापस घर की तरफ लौट रहे थे, तभी उन्हें एक बड़े से सर्कस के बाहर कुछ लोग खड़े दिखाई देते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। कई साल हो गए इसे, अब यह हमारे सर्कस के लायक नहीं है। यह बहुत ही बूढ़ा हो गया है, हमें नए शेर चाहिए होंगे। एक काम करो, इसे जंगल में छोड़ाओ। लेकिन मालिक, ये शेर जंगल में कैसे जाएगा, क्योंकि ये एक पालतू शेर है, इसे तो जंगल के शेर खा जाएंगे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैंने अपने सर्कस के लिए नए शेर मंगवा लिए हैं, तुम इसे अभी के अभी जंगल छोड़ाओ। ये कहकर शेर का मालिक वहां से चला जाता है। वहीं आदमी अपने मन ही मन में सोचता है, हे भगवान, कैसी माया है तेरी, इस इंसानी दुनिया में इंसानों को किसी भी चीज की कदर नहीं है। अब इस बेचारे शेर को मैं जंगल कैसे छोड़ाऊं, ये तो वहां मर ही जाएगा या फिर जंगली जानवर इसका शिकार कर लेंगे। बेचारा शेर अपने पिंजरे में बैठा होता है, तभी ये सब सुनकर नंदिनी अपने पिता मोहन से कहती है, कितना प्यारा शेर है, लेकिन ये लोग इसे जंगल क्यों छोड़कर आ रहे हैं? पिताजी, आप इन लोगों से इस शेर को मांग लो, हम इसे पाल लेंगे। अपनी बेटी नंदिनी की बात सुनकर मोहन उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, भाई साहब, अगर आप इस शेर को जंगल भिजवा रहे हो तो इससे अच्छा है कि आप इसे मुझे दे दो, मैं इसे अपने पास पाल लूंगा और इसका अच्छे से ख्याल भी रखूंगा। अगर तुम्हें इस शेर को पालना है तो इसे ले जाओ, वैसे भी ये शेर मेरे किसी काम का नहीं है, बहुत बूढ़ा हो गया है, अब इससे काम भी नहीं होता और मालिक ने भी इसे निकाल दिया है। मैं इसे जंगल में छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये अच्छी बात होगी कि तुम इसे अपने साथ ले जाओगे। मोहन और नंदिनी उस शेर को अपने साथ घर ले आते हैं और उसे खाना खिलाते हैं, जिसके बाद नंदिनी शेर से बात करती है। मुझे तुम बहुत ही प्यारे लगते हो, क्या तुम मेरी बात मानोगे? नंदिनी की बात सुनकर शेर अपनी पूंछ हिलाने लगता है। कल हम सड़क पर सर्कस दिखाएंगे, तो तुम हमारा साथ देना और हमारे साथ सर्कस से लोगों का मनोरंजन करना। शेर बूढ़ा जरूर हो जाता है, लेकिन वो बहुत समझदार होता है, इसलिए वो नंदिनी की बात सुनकर अपनी गर्दन हिलाने लगता है, जिसके बाद नंदिनी बहुत खुश हो जाती है और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह नंदिनी अपने पिता मोहन और शेर के साथ सड़क पर सर्कस दिखाने जाती है, जिसके बाद शेर का सर्कस देखकर सभी लोग बहुत आकर्षित होते हैं और उनका सर्कस देखने लगते हैं। मेहरबान कदरदान साहिबान, जो लोग चोरी करते हैं, सीना जोरी करते हैं, टोपी पहनकर धोखा देते हैं और पैसा लेकर जान लेते हैं, उनसे तो भला मेरा शेर है जो अपना और अपने उस्तादों का पेट भरता है और चैन की जिंदगी बसर करता है। तो बच्चा लोग, बजाओ मेरे शेर के नाच पर ताली। मोहन के कहने के बाद शेर सबके सामने अपना नाच दिखाने लगता है, जिसके बाद लोगों को बहुत अच्छा मनोरंजन होता है और वो उन्हें अच्छे खासे पैसे दे देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे मोहन और नंदिनी रोजाना सर्कस दिखाने लगते हैं। अब वो शेर के जरिए अच्छा खासा कमाने लगते हैं। एक दिन मोहन नंदिनी से कहता है, नंदिनी, क्यों ना हम अपना एक खुद का सर्कस खोल लें, जिसके बाद हमारे पास एक अच्छा सा सर्कस होगा। हाँ पिताजी, और उस सर्कस में हमारा शेर सबका राजा होगा और फिर हम लोग खूब पैसा कमाएंगे और अमीर हो जाएंगे। ये सोचकर मोहन और नंदिनी जुड़े हुए पैसों से अपने लिए खुद का सर्कस खोलते हैं, जिसके बाद वे लोग सर्कस में शेर का खेल दिखाते हैं। मेहरबान कदरदान साहिबान, जो लोग चोरी करते हैं, सीना जोरी करते हैं,
टोपी पहनकर धोखा देते हैं और पैसा लेकर जान लेते हैं। उनसे तो भला मेरा शेर है जो अपना और अपने उस्तादों का पेट भरता है और चैन की जिंदगी बसर करता है। तो बचा लोग, बजाओ मेरे शेर के नाच पर ताली। मोहन की आवाज सुनते ही शेर रस्सी के ऊपर चलने लगता है और अपना खेल दिखाने लगता है, जिसके बाद सभी लोग बैठे हुए तालियां बजाने लगते हैं। खेल खत्म होने के बाद मोहन नंदिनी से कहता है, बेटा नंदिनी, तुम्हें पता है ये हमारा पहला सर्कस था और इसमें हमें पूरे 5 लाख की कमाई हुई है। पिताजी, ये सब हमारे प्यारे शेर की वजह से है। आज अगर ये ना होता तो हम इतना पैसा कभी नहीं कमा पाते। अब शेर पहले से भी और अच्छा सर्कस दिखाने लगता है और लोग बड़े बड़े सर्कसों को छोड़कर उनके सर्कस में आने लगते हैं। इससे उनकी आमदनी दुगनी से तिगुनी और तिगुनी से चौगुनी हो जाती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाते हैं। एक दिन एक सर्कस का मालिक उनका खेल देखने उनके सर्कस जाता है, जहाँ पर वो अपने पुराने शेर को देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है, ये तो मेरा ही पुराना शेर है जो बूढ़ा हो गया था। इसकी वजह से ये लोग इतना कमा रहे हैं। मैं इसे चुरा लूंगा और इसके बाद मैं इसे दोबारा से अपने सर्कस में रखूंगा। ये सोचकर वो रात के समय अपने कुछ गुंडों के साथ मोहन के घर पर जाता है और चुपके से शेर को चुराने की कोशिश करता है। अचानक से शेर के पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और वो भागकर मोहन के कमरे में चला जाता है, जिसके बाद मोहन तुरंत पुलिस को कॉल करता है और उन लोगों को पुलिस के हवाले कर देता है। जैसी करनी वैसी भरनी। जब तुमने इस शेर को अकेला छोड़ दिया था तब हमने इसको सहारा दिया था। आज अगर तुम इसे समझ पाते तो शायद तुम हमसे भी ज्यादा अमीर होते। लेकिन तुम जैसे अमीर लोगों का दिल इतना काला होता है कि वो पैसों से भी साफ नहीं होता। उसके बाद पुलिस उन्हें ले जाती है और नंदिनी अपने पिता मोहन के साथ शेर का सर्कस दिखा दिखा कर करोड़पति बन जाता है और खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। मेहनत कभी असफल नहीं होती, मेहनत का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा करने पर हमारे साथ भी बुरा ही होता है।